मुझे त्रिशूल ढूंढना ही होगा. वैदेही की रक्षा करनी है मुझे. भगवान प्लीज मेरा साथ दीजिए. मां त्रिशूल मिला क्या? हाँ हाँ बेटा, मैं वही ढूंढ रही हूँ. यही कहीं होगा. कहाँ जा सकता है? लगता है वैदेही, तू माधव की खुशी है, भ्रम है तेरा. आज मैं तेरा ये भ्रम तोड़ कर रहूंगी. अब तू देखती जा वैदेही, मैं तेरा मौत से भी बदतर हाल कर दूंगी. मौत से भी बदतर. मिल गया, पता नहीं किसी ने रख दिया था. ये देख, ये भगवान का संकेत है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है. इसे लेकर चित्रा की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे. तेरे बाबूजी होते तो यही चाहते हैं, वैदेही उसके परिवार की रक्षा. देर मत कर बेटा, जा चलते. माधव की चित्रा, माधव की अर्धांगिनी,
ये घर तो छोड़ो, ये कमरा तक तुम्हारा नहीं है। क्या लगा तुम्हें कि तुम माधव से शादी करके माधव की अर्धांगिनी बन सकोगी? नहीं, मैं हूं माधव की अर्धांगिनी। क्यों छीनना चाहती हैं? आपका ये प्यार, ये जुनून कैसे बन गया चित्रा दीदी? जब मुझे ये पता चला वैदेही कि तुम माधव की जिंदगी में मेरी जगह लेने वाली हो, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। नफरत, नफरत हो गई मुझे तुमसे। पता नहीं मैं जो कर रही हूं वो सही है या गलत, कहीं जाने अनजाने मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? जितना सुलझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही हालात और उलझते जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। थक चुकी हूँ मैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है अब मुझ में। वैदेही कहाँ चली गई? ये बाथरूम का दरवाजा खुला क्यों? पानी की आवाज आ रही है, वैदेही अंदर है क्या? वैदेही, तू ऐसे? मैं थक गई हूँ माधव, वैसे ही तू फिकर मत कर। ये रात इतनी काली क्यों ना हो, कितनी लंबी क्यों ना हो, लेकिन इसका सवेरा जरूर होगा। हमारी जिंदगी में भी सवेरा जरूर आएगा वैसे ही। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। माधव, तू मेरे साथ तो रहना चाहता है ना? वैदेही, मैं सिर्फ तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तेरा आत्मविश्वास टूट गया होगा, लेकिन मेरी ये बात ध्यान से सुन। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, पूरी जिंदगी मैं तेरे साथ बिताना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर तुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे भरोसे पे भरोसा कर ले। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाला। मैंने ख्वाबों में तुम्हारा नूर देखा है, दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू ही था मेरा, अब जो मिला तो लगा। तू मिला तो है ना।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चल अब जल्दी उठ, तेरे लिए नाश्ता लेके आया हूं मैं. नाश्ता? इतनी देर हो गई क्या? मैं उठी कैसे नहीं? इतनी देर कैसे सो गई? मुझे तो पता भी नहीं चला. आराम से, आराम से, रिलैक्स. वैदे ही मैं जानता हूं, काफी रातों से तू अच्छे से सो नहीं पाई है और जिन हालात से तू गुजरी है उसके बाद तो छोड़, लेकिन अब से हर रात तू अच्छे से ही सोएगी. मेरी पंडित जी से बात हो गई है, आने वाले चांद ग्रहण पे मुझे चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवानी है. माधव, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है. हम बोल ना. कहीं हम जल्दबाजी में आके कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं. चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाना बहुत जरूरी है, वो इस दुनिया की नहीं है. और अब से ये सवाल तेरे या मेरे किसी के भी मन में नहीं आना चाहिए. जो कुछ भी हो रहा है बहुत जरूरी है, तेरे लिए, मेरे लिए और चित्रा के लिए भी. ठीक है, चल अब नाश्ता कर. इन पेपर्स पर वैदेही के सिग्नेचर्स क्यों नहीं है? वो मम्मी, उस दिन मैंने बाकी पेपर्स के साथ इन पेपर्स को भी रखा हुआ था, पर मुझे ये नहीं पता था मम्मी कि उसने इस पर साइन नहीं किए. तो तभी क्यों नहीं देखा रानी? कोई भी काम अक्ल से करना कब सीखेगी? जानती है ना तू, अगर आज चित्रा ने वैदेही को मार दिया होता तो हमारे हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं लगती. अब आज शाम को उसका काम तमाम होने से पहले इन पेपर्स पर मुझे वैदेही की साइन चाहिए, समझ में आया? सॉरी मम्मी. अब जाकर वैदेही को भेज यहाँ पे. अभी भेजती हूँ मम्मी. कोई भी काम ढंग से नहीं करता कोई. बड़ी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक छोटा सा काम था. कैसा काम बड़ी माँ? इन पेपर्स पर साइन कर दे. ये क्या है बड़ी माँ? कुछ जायदाद के पेपर्स हैं जिस पर तेरे साइन बहुत जरूरी है. ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है. बड़ी माँ चाहती है कि मैं माधव की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं? बड़ी माँ, मुझे माफ कर दीजिए. बड़ी माँ, मैं इन पेपर पर दस्तखत नहीं कर सकती. मैं पूछ सकती हूँ क्यों? ये सब कुछ माधव का है, मुझे कोई हक नहीं है उसकी तरफ से फैसला लेने का. मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, पर मैं ये नहीं करूंगी. नहीं बड़ी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ. मैं ये नहीं कर सकती. मुझे पता है ये सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं वही कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है. मैं दस्तखत नहीं कर सकती बड़ी माँ. ये बड़ी माँ ने अचानक से मुझे उन कागज पर दस्तखत करने के लिए क्यों बोला? मैंने ऐसे मना कर दिया, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा ना? क्या करूं, कर दूं क्या जाके दस्तखत?
लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? ये सब तो माधव का है ना। तोड़ दिया, सासू माँ का कीमती वाद तोड़ दिया। अब सासू माँ मुझे तोड़ेंगी, तोड़ेंगी। मेरी बॉडी में अभी से दर्द हो रहा है। नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। ये वास आपसे ज्यादा कीमती थोड़ी है। बस आपको कहीं चोट नहीं लगी ना, इतना काफी है। अरे मैं भाभी, चोट तो अब लगेगी क्योंकि सासू माँ को बेजान कीमती चीजों से बहुत प्यार है, जैसे कि ये हवेली, हीरे जवाहरात, कागजी नोट, प्रॉपर्टी के पेपर और ये टूटा हुआ उनका वास। तुम सासू माँ को जानती नहीं हो। सासू माँ की कीमती चीजों को अगर कोई उनसे छीनना चाहे, चुराना चाहे, तो सासू माँ उसकी जान निकाल लेती है। और ये तो उनका कीमती वास था। नहीं नहीं जीजा जी, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं मजाक में, ऐसे थोड़ी होता है। तुमको मजाक लग रहा है? ठीक है, तुमको मजाक लग रहा है तो मैं लगने दो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अरे मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, ये टूट गया। कौन तोड़ा? मैं नहीं तोड़ा, मैं चला। मैं नहीं तोड़ा। क्या टूट गया? इतना कीमती वास कैसे टूट गया? देख वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं तो निकल जा यहां से, निकल जा। अरे माधव तू कहां जा रहा है? मंदिर में चित्रा को मुक्ति दिलाने से पहले कुछ जरूरी काम है, बस वही खत्म करने जा रहा हूँ। अच्छा, चाय तो पी ले पहले। माधव, मुझे तुझे कुछ बताना था। तू गुस्सा तो नहीं हो जाएगा ना? मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? बोलने क्या बात है? वो बड़ी माँ ने आज प्रॉपर्टी के पेपर पर दस्तखत करने के लिए कहा था। इसमें मैं गुस्सा क्यों हूँ? ये तो अच्छी बात है। मैंने मना कर दिया, दस्तखत नहीं किए। तूने मना कर दिया माँ को? क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो तेरा है ना माधव, और तेरी इजाजत के बिना मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूँ? मैं उससे पैसे मांगने गई, उसने मेरी बात समझने के बजाय मेरी बेइज्जती की। अब तो ऐसा हो गया कि अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है। मैं आपकी माँ की आखिरी इच्छा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं वही करूंगी जो सही है। चित्रा वो मर चुकी है, मेरी सिर्फ एक ही माँ है और उनका नाम है नीलांबरी देवी। ये चीज को एक्सेप्ट कर लो और जैसा वो चाहती है वो करो। इस घर में माँ की इजाजत से बढ़कर कोई इजाजत नहीं है, उन्हें कोई मना नहीं करता। और ये बात मैंने चित्रा को भी कही थी, आज तुझसे भी कह रहा हूं। मां के हुक्म के सामने ना करने की गुस्ताखी कभी मत करना। तूने चित्रा दीदी से ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उसने भी तेरी तरह मां के सामने प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया था।